छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदी की जा रही है। वहीं धान बेचने के लिए टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से किसान खुद टोकन काट कर धान बेचने खरीदी केंद्र में अपने उपज को लेकर जाते हैं, लेकिन ऐप में टोकन काटने में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। इसी को देखते हुए धमतरी जिले में आज कांग्रेसियों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऑफलाइन टोकन काटने की सुविधा देने की मांग की गई। इस दौरान विधायक ने बताया कि टोकन तुअर हाथ ऐप में तकनीकी समस्या के चलते अधिकांश किसान धान नहीं बेच पाए हैं और इस ऐप के कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बहरहाल कलेक्टर का कहना है कि किसानों की सुविधा को देखते हुए अब 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन टोकन काटने की सुविधा समितियों को प्रदान की गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। आज कलेक्टर महोदय के पास चार बिंदुओं में हम लोग ज्ञापन देने आए थे। पहला बिंदु था किसानों के लिए, जो कि आज किसान त्रस्त हैं। जब से बीजेपी की सरकार रही है, 11 महीना के कार्यकाल में किसान बहुत त्रस्त हैं। आप अब देख रहे हैं धान खरीदी बहुत सारे समस्या आ रही हैं। सबसे पहले टोकन की समस्या, तो टोकन ऑनलाइन किए मोबाइल के माध्यम के माध्यम से मोबाइल ऐप फैल है। दूसरी बात, हमने उनसे उस ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आज किसान परेशान हैं। उन्होंने अवगत कराया कि आज से सोमवार से 60-40 की रेशियो में टोकन कटना प्रारंभ हो गया है। दूसरा हमने दिए हैं कि अवैध प्लाटिंग धमतरी शहर के अलावा पूरा ग्रामीण में आसपास धमतरी क्षेत्र में धलड़े से अवैध प्लाटिंग हो रही है। यहाँ तक कि दुर्भाग्य की बात है कि कलेक्टर निवास और एसपी निवास के सामने धलड़े से वहाँ पे अवैध प्लाटिंग हो रहा है, इसका भी हमने ज्ञापन दिया है। और तीसरा हमने ज्ञापन दिया है कि रबी फसल में जो किसान धान लेना चाहते हैं, जिनके पास और साधन नहीं है कि वो दलहन तिलहन ले पाए, उनको शासन के द्वारा डराधम कहा जा रहा है कि आप अगर धान की फसल लेंगे तो आपको 50,000 अर्थदंड देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजली बिल भी कट जाएगा। और चौथा ज्ञापन दिया है कि शहर में जो आपराधिक गतिविधियाँ, जो ये 11 महीने हुए हैं, चाकूबाजी हो रही है, अभी अभी सुनने में आया कि नशीली दवा मेडिकल स्टोर में मिल रहे हैं, बच्चे उसे सेवन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो अनाचार हो रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्य। ये सब मामलों को हमने ज्ञापन दिए। माननीय विधायक जी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें दो तीन विषय है। पहला विषय धान खरीदी के संदर्भ में है, जिसका निराकरण शासन के द्वारा ऑलरेडी कर लिया गया है। जो पहले 100% टोकन ऐप के माध्यम से कट रहे थे, उसमें अब 60% टोकन ऐप के माध्यम से और 40% टोकन समिति के माध्यम से कट रहे हैं। पहले ये भी समस्या थी कि 7 दिवस के टोकन कट के फिर अगले 7 दिवस का कट रहा था, अब समिति के माध्यम से आने वाले 3 दिन का भी टोकन काटा जा रहा है। तो पहले कुछ दिनों 2-3 दिन ये समस्या रही कि लिमिट से कम धान खरीदी हुई, पर अब वर्तमान में जो लिमिट सेट है उतने टोकन कट के उतनी धान खरीदी हो रही है। दूसरा विषय उनका आने वाले रबी के मौसम में फसल चक्र परिवर्तन को लेकर था, जिसके लिए हम बार बार अवगत करा रहे हैं कि धमतरी कुरुद का जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है, और गिरते हुए भूजल स्तर और हवा वायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों को और हम सबको फसल चक्र परिवर्तन को अपनाना चाहिए, दलहन तिलहन को अपनाना चाहिए, और यही शासन की मंशा है। इस बार वर्तमान में रबी में 6 करोड़ से ज्यादा दलहन तिलहन के लिए समितियों के माध्यम से ऋण दिया गया है, जो पिछले साल केवल 2 करोड़ था। तो मैं और किसानों को बोलूंगी कि आगे आए और दलहन तिलहन की खेती को अपनाएं।